ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यासिर खान काकवानी है। मैं मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या चौधरीपुर ज़िला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी यहाँ पर अपने फ़राइज सर अंजाम दे रहा हूँ। आई एम अ हार्ट सर्जन एज वेल एज अ वास्कुलर सर्जन, जो दोनों मेरी स्पेशलिटीज़ हैं। इनिशली मैंने MBBS निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया। MBBS करने के बाद मैंने अपनी जो है ना FCPS जनरल सर्जरी के अंदर मैंने किया, और उसके बाद फिर देन आई वेंट टू इंग्लैंड और मैंने अपना FCPS कार्डिक सर्जरी किया। साथ में मैंने वहाँ पे वास्कुलर सर्जरी में ट्रेनिंग की, और साथ ही वहाँ पे इंग्लैंड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स के अंदर कार्डिक सर्जरी की मैंने ट्रेनिंग की, जिसके अंदर से किंग्स कॉलेज लंदन में मैंने काम किया। और उसके बाद मेरा मेजर और मेजॉरिटी मेरी ट्रेनिंग और मेरा वर्क जो था वो क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल बर्मिंघम में था, जहाँ पे मैंने एडवांस्ड हार्ट सर्जरी और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और इसी तरह से एलवेड एक्मोज इस सारी चीज़ के अंदर जो है ना मैंने अपनी ट्रेनिंग की। वो ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मैं वापस पाकिस्तान आया और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो है ना फ़राइज सर अंजाम अपने दे रहा हूँ। एक बात यहाँ पे अपने बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे जनूबी पंजाब के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम वापस लेके आया पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त पूरे पंजाब में हमारे इंस्टीट्यूशन वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो कि रिकग्नाइज्ड है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ द हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन एज वेल, और मैं यहाँ पे एज अ डिप्टी डायरेक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट टीम के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। आज जो है मैं आप सब लोगों के साथ जो बात करना चाहता हूँ उसके अंदर हमारी दो चीज़ें हैं कि की होल हार्ट सर्जरी एंड वास्कुलर डिजीज़ेस। इट्स अ वेरी न्यू टॉपिक, या आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी जितनी भी रीसेंट एडवांसेस और या एडवांसमेंट हो रही हैं हमारी फील्ड ऑफ हार्ट सर्जरी के अंदर या कार्डिक सर्जरी के अंदर, उसके अंदर ये सबसे नई जदीद और जद्दत वाली चीज़ है। होता क्या है, व्हाट इज़ की होल हार्ट सर्जरी? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो समझने वाली वो है कि हार्ट डिजीजेस कौन कौन सी हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हमारे यहाँ की पाकिस्तान के अंदर और यूरोप के अंदर, या अगर हम पाकिस्तान की बात ना करें तो अगर हम इसको ले लें सब कॉन्टिनेंट की बात, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसके अंदर हार्ट की कंडीशंस या दिल की बीमारियों की नोयत वो मुख्तलिफ है यूरोप और अमेरिका की दिल की बीमारियों की नोयत से। हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो सोसाइटी में पाई जाती है वो दिल के वेल्व की बीमारियाँ हैं, जो कि यंग बच्चे और बच्चियों के अंदर होती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसके अंदर एक बुखार होता है और उसके बाद उसके जरासीम जो है ना वो दिल के वेल्व्स के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, दिल के वेल्व्स हमारे दिल के दरवाज़ों की तरह होते हैं, और वो जाके 10-15-20 साल के बाद उनके वेल्व जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं और हमें फिर उसको तब्दील या रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें तो उसको हम माइटल वेल्व या एओटिक वेल्व कहते हैं। ठीक है, बाज़ के अंदर दोनों वेल्व ख़राब हो जाते हैं और बाज़ लोगों के अंदर सिर्फ एक वेल्व ख़राब होता है। ठीक है, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी दिल की शरियानों या रगों की बीमारियाँ, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो दिल की अपनी ब्लड सप्लाई है उसकी जो नालियाँ और शरियाने या कोरोनरी आर्टरी जिसको कहते हैं उसकी तंगी हो जाती है। वो किन वजूहात की बेसिस पे होती है? वो होती है, नंबर एक हमारा एजिंग फैक्टर है, नंबर दो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, ऐसे लोग जिनको शुगर है, या फिर वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, इसी तरह से मोटापा ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इन सारी वजूहात की वजह से हमारे दिल की शरियाने तंग हो जाती हैं, जो कि दिल की अपनी ब्लड सप्लाई को कम करती हैं, और दिल की ब्लड सप्लाई जब कम होती है तो उसके साथ ही दिल को ऑक्सीजन की कमी भी आती है, और फिर पेशेंट्स को एंजाइना के स्टेम सिम्टम्स या अटैक्स आते हैं, या जिसको दिल का पेन भी कहते हैं, या हार्ट अटैक की सूरत में वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे बहुत प्रेवलेंट है, और पाकिस्तान ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये डिज़ीज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट है हमारी यूरोपियन पॉपुलेशन की निस्बत से, और बहुत सीवियर कंडीशन में है। इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो फिर हमें इन सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, वो चाहे वेल्व हो या दिल की शरियानियों का प्रॉब्लम हो, तो हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम हार्ट सर्जरी करते हैं।
आज से पहले जो तरीका इलाज था वो ये था कि जब दिल के वाल्व ख़राब हो जाते हैं तो हम दरमियान वाली हमारी जो हड्डी है जिसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं और ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, हम उसको यहाँ से कट करते हैं दरमियान में से, और उसके बाद हम अपना दिल तक रसाई हासिल करते हैं। और दिल तक रसाई हासिल करने के बाद हम एक हमारे पास मशीन होती है जिसको बाईपास मशीन कहते हैं, उसकी मदद से हम पूरे दिल का ब्लड फ्लो जो है ना उस मशीन के थ्रू पूरी जिस्म में जाता है और फिर हम दिल के वाल्व को तब्दील कर दिया जाता है। इसी तरह जिनका जो है दिल की शरीयानों का प्रॉब्लम होता है उसको हम फिर कॉरोनरी आर्टरी बाईपास कहते हैं, या हम जिसके आम जुबान में जिसको कहते हैं कि बाईपास का ऑपरेशन या कैबेज का ऑपरेशन हम करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो उसको करने के लिए, इन सारे ऑपरेशंस को करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक जो आज तक राइज है उसको हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, जैसे अभी मैंने बात की कि हम ब्रेस्ट बोन को डिवाइड करते हैं, हार्ट तक पहुँचते हैं और ऑपरेशन करते हैं। फिर हम उस हड्डी को जोड़ने के लिए स्टील सितारों का इस्तेमाल करते हैं, उसको बंद कर देते हैं और फिर हड्डी को जुड़ने के लिए तकरीबन 6 हफ्ते का टाइम चाहिए। बड़ा कामयाब तरीका इलाज है, आज तक हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुल तरीके से हो रहा है हमारे यहाँ पर। मैं जब से वापस आया तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ऑपरेशन बेतहाशा सर अंजाम दिए हैं। एक नया तरीका इलाज भी है जो कि मैं बाहर से सीख के आया और उसको फिर आके यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, उसको हम कहते हैं की होल हार्ट सर्जरी। की होल हार्ट सर्जरी क्या चीज़ है? इसके अंदर हम इस ब्रेस्ट बोन को, जो हमारी दरमियान वाली हड्डी होती है, उसको हम नहीं काटते। और हम क्या करते हैं कि हमारी नेचुरल अलम यानी एक स्पेस रखी है या खला रखा है पसलियों के दरमियान में, ठीक है, वो दाएं साइड की पसलियाँ या बाएं साइड की पसलियाँ, हम उस पसलियों के दरमियान में से जाते हैं, ठीक है, और पूरा दिल का ऑपरेशन करते हैं। और बाद में हमें किसी कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, कैमरा अंदर डालते हैं, दिल के वाल्व्स को देखते हैं, दिल के वाल्व को हम तब्दील कर देते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि चूँकि हमें हड्डी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो उसकी रिकवरी ज़रा जल्दी होती है। दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोग जिनकी अब शरियाने बंद है या बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत है, उनकी एक या दो नालियाँ उसके अंदर तंगी है या बंदिश है, या 1-2 वेसल डिजीज़ जिसको हम कहते हैं वो है, तो वो ईजिली लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट यानी कि बाईं साइड की पसलियों के दरमियान की स्पेस में से जाके बहुत आसानी से हम वो ऑपरेशन, बाईपास का ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं। अब की होल हार्ट सर्जरी पूरी दुनिया के अंदर ये एक बहुत तेज़ी के साथ ये राइज हो रही है और बड़े अच्छे सेंटर्स बन रहे हैं जहाँ पर इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है और ये हो भी रही है और बहुत मकबूल हो रही है। उसकी रीज़न क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। होता ये है कि जब हम ओपन हार्ट सर्जरी की बात करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर इस रीढ़ की हड्डी को, ये इस ब्रेस्ट बोन को जोड़ने के लिए 1.5 महीने का टाइम चाहिए। 1.5 महीने तक हमारे उस मरीज ने सीधा लेटना है, करवट नहीं लेनी, ठीक है, और उसके अलावा वो चल फिर सकता है, अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसकी रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाती हैं, ठीक है, थीके? और हम जिसको कहते हैं रिटर्न टू वर्क, यानी कि वो अगर काम काज पे उसने वापस जाना है तो फिर उसका क्या तरीका है इलाज? वो तकरीबन 2 से 2.5 महीने उसको लग जाते हैं वापस काम पे जाने के लिए। अब अगर हम ये देखें और अगर खुदा न खास्ता उसकी हड्डी के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और वो नहीं जुड़ पाती तो फिर उसके मसाइल मज़ीद बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट की होल हार्ट सर्जरी के अंदर एक इतना सा कट लगता है 3 से 4 इंच का, पसलियों के दरमियान से जाते हैं, हार्ट का वेल्व तब्दील किया जाता है या 1 से 2 नालियों का बाईपास किया जाता है, उस पसलियों के दरमियान वाली जगह को बंद कर देते हैं, पेशेंट 3rd-4th दिन घर चला जाता है और रिटर्न टू वर्क यानी कि वो अपने काम काज पर वापस कब जा सकता है, लिटरली 2 से 2.5 हफ्ते के अंदर वो अपने काम काज के ऊपर वापस चला जाता है। चूँकि हड्डी नहीं कटी तो बोन इन्फेक्शन के चांस नहीं होते, ठीक है, उसको सीधा भी नहीं लेटना पड़ता और वो अपनी मामूल की जो ज़िंदगी है वो आसानी से गुजार सकता है। इसी तरह से इसके अंदर अगर हम देखें पेन भी कम होता है, इसके अंदर ब्लड लॉस के चांसेस भी कम होते हैं और इसी तरह से इसके अंदर ICU का स्टे भी कम होता है। यहाँ तक तो अगर हम की होल को देखें, इसके फ़वाद हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं, प्रॉज एंड कॉन्स वाली बात होती है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि शायद ये ओपन हार्ट सर्जरी के निस्बतन कम रिस्की ऑपरेशन है,
ये मैं आप सब लोगों को वाजा करना चाहता हूँ कि जितने हार्ट के ऑपरेशंस होते हैं वो दे आर एसोसिएटेड विद सम रिस्क, यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ नुकसानात और रिस्क भी शामिल होते हैं, वो चाहे ओपन हार्ट हो या की हल ऑपरेशन हो। 1-2% या 2-4% रिस्क होता है कि खुदा न खास्ता पेशेंट ऑपरेशन के दौरान जाबर ना हो सके या उसको फालिज का अटैक हो जाए। ये 2 मेजर रिस्क होते हैं हार्ट ऑपरेशन के, ये जहन में रखें, ये हार्ट ऑपरेशन के रिस्क हैं। इसका की होल या ओपन हार्ट सर्जरी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ओपन हार्ट सर्जरी में भी हो सकते हैं और की होल के अंदर भी हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है पेशेंट की अपनी कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट डायबिटिक है, उसके गुर्दे ख़राब हैं, उसकी चेस्ट इन्फेक्शन है, या उसके लंग्स अच्छे नहीं हैं, या उसका हार्ट का फंक्शन ऑलरेडी कम हो चुका है, तो उसका रिस्क चाहे हम की होल करें चाहे ओपन हार्ट करें वो उतना ही होता है, उससे वो कमी पेशी नहीं आती। ठीक है, एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो कीवल हार्ट सर्जरी का है वो ये है कि इसके अंदर जो इंसीजन है या स्कार है या जो कट लगता है वो छोटा होता है, वो कॉस्मेटिकली बहुत अपीलिंग है, वो आपके कपड़ों के अंदर छुप जाता है और वो नज़र भी नहीं आता विद द पैसिव ऑफ टाइम, वो बुरा नहीं लगता। तो सोशल जो है ना उसके साथ जो मसाइल होते हैं वो नहीं होते, स्टील की तारें भी नहीं लगती तो स्टील की तारों का दर्द भी नहीं होता, क्रॉनिक पेन्स इसके अंदर नहीं होते। इसी तरह अगर हम बात अब करते हैं वास्कुलर डिजीज़ की, वास्कुलर डिजीज़ हमारी इस सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। वास्कुलर डिजीज़ क्या है? ये हमारे पूरे जिस्म की रगों की और शरियानों की बीमारियां हैं। इसके डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एक इग्नोर्ड स्पेशलिटी है। हम ये देखते हैं वो सारे मरीज़ जिनको शुगर है या डायबिटिक पेशेंट्स और वो लोग जो स्मोकर्स हैं जो सिगरेट पीते हैं, उनकी रगें शरियाने हाथों की और पाँव की वो सुखड़ जाती हैं। हमने एक लफ्ज़ सुना होगा और हमने देखा भी होगा गैंग्रीन, हम देखते हैं कि वो गैंग्रीन में डेवलप हो जाता है जब ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं पहुंचती और वो हाथ पाँव नीले या काले होने लगते हैं और वो बाद में कटने तक की नौबत आती है। ठीक है, अगर आप इस सारे सिम्टम से पहले जब आपके हाथ पाँव अगर आपको पता चले कि बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए, ठीक है, उसके अंदर पेन होना शुरू हो गया है या वहाँ पे महसूस नहीं हो रहा या उसका कलर चेंज होने लग गया है, तो आपको फ़ौरन आके अपने वास्कुलर सर्जन से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ दफ़ा उसके अंदर रगों के अंदर शरियानों के अंदर खून का लोथरा जिसको ब्लड क्लॉट कहते हैं वो जम जाता है। अगर हम उसको टाइमली निकाल दें तो फिर क्या होता है कि वो ब्लड फ्लो वापस रिस्टोर हो जाता है और आपकी टांग और पाँव और हाथ वो कटने से बच जाते हैं। इसी तरह वो लोग जिनको बहुत अरसे से क्रॉनिक अल्सर्स होते हैं, पाँवों के ऊपर बहुत अल्सर्स हैं, ठीक है, और वो नहीं हील हो रहे, जिसकी वजह ये है कि ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जा रही, फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर हम रगों का टांगों का बाईपास कर देते हैं जिसको हम फेमोरोपोक्लीटल बाईपास कहते हैं। उसकी वजह से जब खून की सप्लाई रवाना हो जाती है तो वो फिर उनका पेन भी कम हो जाता है, उनके अल्सर भी हील हो जाते हैं और वो फिर एक यूज़फुल सोसाइटी मेम्बर्स के तौर पर वो अपने फ़राइज़ सरंजाम दे सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमने देखा बहुत कॉमन है हमारी ख़वातीन के अंदर भी और हमारे मर्द हज़रात में भी, जो सारा दिन खड़े रहते हैं, सोल्जर्स हैं, पुलिस वाले हैं, ख़वातीन हैं जिनका खड़े रहने वाला काम है, उनके अंदर रगें फूल जाती हैं जिसको वेरिकोज वेंस कहते हैं। अगर वो टाइमली आ जाए हम उस वेंस की या इंजेक्शन लगा देते हैं जिसकी उसकी शिद्दत कम हो जाती है या हम उनको बिल्कुल निकाल देते हैं ताकि उसकी वजह से जो रगें फूल जाती हैं ब्लड नीचे इकट्ठा हो जाता है और अल्सर्स बन जाते हैं जो कि बाद में वो नुकसान पहुँचाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डीबीटी है। डीबीटी क्या चीज़ है कि रगों के अंदर खून का जम जाना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है उन ख़वातीन के अंदर जिनके सी सेक्शन होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर जिनकी प्रोलॉन्ग सर्जरी होती है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट होता है, ऐसे लोग जो प्रोलॉन्ग फ्लाइट्स के ऊपर आते हैं, पाकिस्तान से अमेरिका की एक लंबी फ्लाइट है, वो ज़्यादा हिलजुल नहीं रहे, बेड रिडन मरीज जो होते हैं उसके अंदर रगों में खून जम जाता है, टांगें सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है, और वो खून के लोथड़े टांगों से हरकत करते हुए दिल तक जाते हैं और बाज़ फेफड़ों तक चले जाते हैं। तो हमें जो है ना अगर उसकी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दी जाए, सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दवाई से अगर किया जाए तो वो भी हल हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी चीज़ है वो हमारे शारक के अंदर क्लॉट्स का जमना है। ठीक है, हम ये देखते हैं बहुत सारे मरीजों के अंदर हमारी कैरोटिड आर्टरीज के अंदर स्टीनोसिस हो जाती है, यानी कि शारक तंग हो जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या उसमें क्लॉट फंस जाता है, खून का लोथड़ा वहाँ से टूटता है और फालिज कर देता है। ठीक है, अगर ये मरीज़ टाइम पे आ जाएं, उनको अगर किसी भी वक्त हल्का सा फालिज का झटका महसूस हो,
और वास्कुलर सर्जन के पास आ जाएं और उसके अंदर वो खून का लोथरा अगर जमा पड़ा है या कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट हुआ है उसको हम टाइमली निकाल लें तो वो एक मेजर स्ट्रोक या फाले से बच सकते हैं। इसको हम कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी के प्रोसीजर्स कहते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि इन सारे अलामत को सिम्टम्स को आप देखें जानें और जैसे भी अगर आपको कोई ऐसे अलामत मिले तो फौरन अपने डॉक्टर से प्राइमरी फिजिशियन से करें रابطہ करें और अगर आपको मेरे साथ कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़े तो आप ओलाडॉक की वेबसाइट से मेरे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं चौधरी प्रोविजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर शाम के टाइम प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आप मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन करना चाहें तो वो ओलाडॉक के थ्रू आप कर सकते हैं। Thank you very much.